नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में क्योंकि सर का बिजी शेड्यूल होता है, काफ़ी सारे केस जो है इनके हाथ में है जिसको देखना होता है, इस वजह से कुछ समय नहीं दे पा रहे थे। एक हफ्ता पहले फ़ोन करके हमने सर से समय लिया है कि कुछ और मुद्दे हैं जिस पर बात करके इनसे दिया जाए। सर, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका चैनल का, जिसके द्वारा। सर, न्याय प्रक्रिया में देरी क्यों होती है? देखिए, सरकार और ये जो है सब बोलते हैं कि भाई जज की कमी है, कहीं होती है कि, जबकि अगर कोई केस हो रहा है तो उसमें क्लियर डिसीजन नहीं आ पाता है, केस बहुत लंबा मतलब कछुआ चाल चलता है केस, ऐसा क्यों? भारत का न्याय प्रक्रिया बहुत जटिल है, ये तो है, लेकिन उसको है जो जब दोनों पक्ष मिलते हैं, शादी के जो मैट्रिमोनियल का मैटर है, अगर दोनों पक्ष एक तरह से मिल के उस समस्या को समाधान करते हैं तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत अगर कोई है जो पटिशनर है या कोई विक्टिम अगर है जो फाइल करता है अपना केस को, तो उसके बाद उसको है जो समय एडमिशन होता है, संबंध जाता है, संबंध पर नहीं आते हैं तो उसके बाद और है जो पेपर में पब्लिकेशन किया जाता है, इस तरह कुछ प्रक्रियाएं होती है, तब वो जाके अपीयर होता है। इसमें न्याय क्योंकि दोनों के पक्षों को सुनना है, एक पक्ष के सुनने के बाद किसी तरह का डिसीजन देना है ना न्यायालय में संभव नहीं हो पाता है न्यायाधीशों के द्वारा, इसलिए दोनों पक्ष को सुनने में समय लगता है, इसीलिए है जो कुछ न्यायिक प्रक्रिया में समय लगता है। अच्छा सर, हमने ये देखा है कि दो तरह के जो केस होते हैं उनमें जज जल्दी फैसला नहीं देते, एक तो जमीन का विवाद और दूसरा जो है वो मैट्रिमोनियल से संबंधित हो, उसमें जज ये इंतजार करते हैं कि अंतिम तक ये लोग अपना कुछ ना कुछ निर्णय ले लें, तब जाकर के अंत में फैसला आता है। क्योंकि दोनों दीवानी प्रक्रिया के तहत आता है, क्रिमिनल प्रोसीजर में नहीं आता है, दीवानी है ना, दीवानी प्रक्रिया में होता है, वो है जो ऑर्डर रहता है, रूल के तहत रहता है, तो दोनों पहले है जो अपना है जो पटिशन फाइल का अपना जवाब देते हैं, उसके बाद एक मौका दिया जाता है सिविल केसेज में कि दोनों आपस में मिलकर कंप्रोमाइज कर लेते हैं, जिससे कि केस है जो पेंडिंग जो ज़्यादा न्यायालय में है वो जल्द डिस्पोजल हो जाए, एक ऐसी स्थिति आती है। लेकिन कुछ केसों में लोग देखते हैं कि अब कानूनी प्रक्रिया में है तो उसके तहत वो चाहते हैं कि केस को है तो समझौता के तहत समाप्त करें, लेकिन जो अगर दोनों पक्ष लड़ना चाहते हैं तो उसमें और प्रोसीजर आता है, उसी के तहत उसमें जो न्याय करने में देरी होती है। एक यार हमने नोटिस किया सर कि लव मैरिज के बजाय जो है अरेंज मैरिज में डाइवोर्स केस की संख्या ज़्यादा है, क्यों? जबकि समाज ने न तो लव मैरिज को मान्यता दिया है न लव मैरिज को प्रीफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि समाज नहीं देता है, लेकिन कानून में तो लव मैरिज है, लव मैरिज कर सकता है जिसका एज 18 और 21 वर्ष से ऊपर है, दोनों अपनी सहमति से कोई भी कास्ट में कोई भी है, ऐसा भारत में कानून बनाया गया है, वो कर सकते हैं, लेकिन वो सक्सेस है जो लोग नहीं वो दोनों मिलकर कर लेता है, लेकिन उसमें गार्जियन का भी कुछ रोल होना चाहिए, लेकिन लोग उस समय नहीं बोलता है, तो उसके बाद शादी करने के बाद लव मैरिज में जो रुकावट हो जाता है ना, जो खटास पैदा हो जाता है, वो बात कुछ कारण है उसका, उसको है जो लोग को है जब लव मैरिज कर दिए तो आगे अपना दोनों को शांतिपूर्वक रहना चाहिए, दोनों अपने से शादी किए हैं, दोनों अपने सहमति से शादी किए हैं, इसीलिए ऐसा नहीं होनी चाहिए, अगर होता है तो समाज में गलत मैसेज आता है और है जो तो दोनों के बीच में दूरी हो जाती है। अच्छा सर, अब लास्ट एक है कि अगर जो भी व्यूअर्स हैं, जो देवी देखने वाले हैं, वो अगर आपसे अपनी समस्या को लेकर के या अपने केस के द्वारा आपके साथ संपर्क करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? इसके लिए मेरा ऑफिस भी है, वहाँ है जो आशोतक नंदलाल छपरा में भी आ सकते हैं, फ्री है, समय उसका सुबह में है या 8 बजे से 9 बजे रात में दिया जाता है, अगर हम यहाँ फ्री आते हैं तो वासुदेव काश टेबल नंबर 10 पर सिविल कोर्ट पटना में आके संपर्क कर सकते हैं और जो कानूनी प्रक्रिया होगा उसको मैं बताने का कोशिश करूँगा।
चलिए सर धन्यवाद जी, थैंक यू। मैं ये चाहता था कि आपने जो गाइडलाइन दिया है उससे हमारे जो भी दर्शक होंगे या जो भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे होंगे वो आपसे संपर्क करेंगे, आप उनका निदान करेंगे। इसके लिए आपका चैनल का धन्यवाद, लोग आवे और कानूनी सलाह लें और अपने परिवार अपने जो समाज को सही ढंग से जो ठीक है। धन्यवाद सर।